He is Sir Edmond Locard, a French criminologist, the pioneer of forensic science who was known as Sherlock Holmes of France. He gave the basic principle of forensic science, every contact leaves a trace, which is known as Locard's principle of exchange. इन्होंने 1910 में वर्ल्ड की सबसे पहली पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का सेटअप किया था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहला 12 पॉइंट फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, जिसे हम मिनिशिया पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। इनके 40 बुक्स हैं जो कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में पब्लिश किए गए हैं। साथ ही में इनके 7 वॉल्यूम्स ऑफ ट्रीटी ऑफ क्रिमिनलिस्टिक्स भी पब्लिश हुए हैं। और ऐसे ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।